दानवों की नापाक करतूत सामने आई है, जहां शादी के महज 2 दिन बाद ही पति ने दहेज के लिए नई दुल्हन को घर से निकाल दिया। इतना ही नहीं, दहेज के लालच में ससुराल पक्ष के लोगों ने पहले दुल्हन की बेरहमी से पिटाई की और फिर घर से निकाल दिया। बुरी तरह से घायल दुल्हन को इलाज के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर लाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद से ही ससुराल के सारे लोग घर छोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मेरे घर शादी हुआ उसके पूरे रीति रिवाज के साथ, और उसके बाद हम यहाँ आए ससुराल अपने नरंगाबाद। तो वहाँ मेरे साथ ससुर ले गई सब उतार के, उसके बाद सर सामान सब उतर गया। उसका दहेज के चलते मेरे पापा 5 लाख रुपया दिए, एक गाड़ी दिए और जेवर था, सोना का चैन था, अंगूठी था, लड़का को मिला और मुझे मिला गर्दन में हार, चैन, हाथ में कंगन। तो उस पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ हाजीपुर से हमारे संवाददाता संतोष जुड़ चुके हैं। हाजीपुर में जिस तरीके से ये सामने आई है घटना, जो संतोष आ रही है अब तक सामने, इस पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? क्या जो फरार ससुराल वाले हैं उन्हें अब तक पकड़ा गया है? पुलिस के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है? जी ऋतिक, नहीं, अब तक के पुलिस की हाथ कोई भी ससुराल पक्ष के लोग नहीं लगे हैं। पुलिस जांच में जो साक्ष्य मिला है उसके आधार पर लगी हुई है। फोन का ट्रेस मिला जा रहा है कि आखिर वो लोग गए तो गए कहां। मगर सबसे बड़ी बात है कि आए दिन जो ये घटना घट रही है दहेज को लेकर, ये सबसे बड़ी बात है कि क्यों न इसके ऊपर एक ऐसी कानून बनाया जाए, सरकार को या प्रशासन को ऐसा कानून मिले जिसके कारण जो भी हो इस पर एट ए टाइम फैसला हो। आज की जो मतलब कहानी है कि वह लड़की के ऊपर जो है लगातार लोग धमकी भी दे रहे हैं, केस जो हुई है उसको उठाने को लेकर के, और ये घटना 2 दिन पूर्व घटी है। और नई नई शादी, जिस दुल्हन के हाथ में आज मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा और उनको जिस तरीके से बेरहमी से पिटाई गई ससुराल वालों की तरफ से, उनके जो पति है मतलब बेरहमी से पिटाई करके इस तरीके से कि जिसका बयान नहीं किया जा सकता, और पुलिस अब तक किसी भी मुजरिम को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जी संतोष, लेकिन पुलिस की तरफ से क्या कुछ अभी कहा जा रहा है इस मामले पे? पुलिस कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, छानबीन में जुटी हुई है। हमारी पुलिस जो है जगह जगह पर जाते छापेमारी कर रही है निशानदेही के आधार पर। मगर सबसे बड़ा बात है कि यही पुलिस, अगर कोई यह नेता या कोई वैसे घर के लड़की होती तो इसके लिए तुरंत तत्काल कार्रवाई होती है। मगर वैशाली पुलिस जो है अभी के डेट में इस तरीके से कोई ऐसी भी मतलब असंतोषजनक कार्य नजर सामने आ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका संतोष, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाजीपुर में दहेज को लेकर ससुराल वालों ने नई नवेली बहू की बेरहमी से पिटाई कर दी और फिलहाल उसका इलाज हाजीपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। बुलेटिन में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए नेशन न्यूज के साथ। धन्यवाद।